हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट से देखिए क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 11 क्लास 11 का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट में क्या है। तो बेसिक फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्लास 12 में आपने देखे होंगे। पूरे क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने देखा होगा। अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो अब आज हम देखेंगे पूरा डिटेल में। पहले बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, उसके बाद में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज एंड इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर भी देखने वाले हैं। तो वीडियो तो लास्ट तक बने रहेगा, बीच में आप स्किप नहीं करना है, फॉरवर्ड नहीं करना है, लास्ट पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट मतलब क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री व्हाट इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं हमारे पास यार? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से है हमारे पास? तो हमें क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन थीटा का कुछ बेसिक फार्मूला आप आपको अगर याद है, नहीं है तो हम यहाँ पे फिर से रिवीजन लेने वाले हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सपोज मेरे पास एक सर्कल है, यूनिट सर्कल यहाँ पे निकालता हूँ मैं, ठीक है, एक यूनिट सर्कल है, ओके। यहाँ पे मैं एक सर्कल निकालता हूँ, देखो ये मैंने यहाँ पे सपोज सर्कल निकाल लिया, ओके, सर्कल विथ यहाँ पे एक्स वाई कॉर्डिनेट एक्सिस निकलता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है, ये एक्स एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पे हम निकलते हैं एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में निकाले, वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट निकालते हैं, पी बी द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड एक परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसा, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाला मैंने यहाँ पे, राइट एंगल हो जाएगा ये, ओ यहाँ पे मैं लिखता हूँ यम, ठीक है, पी एम यहाँ पे कर देता हूँ उसको। अभी यहाँ पे थीटा एंगल होगा, ओके, यहाँ पे क्या होगा? थीटा, ओके। देखो अभी यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा उसको बड़ा सर्कल ले लूँ यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं उसको, ओके, ये पूरा डिलीट करता हूँ मैं, बड़ा सर्कल लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक बड़ा सर्कल ले लिया मैंने, ओके, बड़ा सर्कल ले लिया थोड़ा, ये एक्स वाई लाइन है, एक्स लाइन है, तो हमने एक लाइन कर दिया, अभी थोड़ा आपको समझ में आएगा। ये पी बी द पॉइंट ऑन द सर्कल और ये यहाँ पे थीटा लेते हैं हम, ठीक है, साइन चेंज करके उसको कलर चेंज करते हैं उसको, यहाँ पे थीटा कर देते हैं और एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर पी एम, ओके, ये पी एम हमारा, पी एम इज परपेंडिकुलर टू ये ओ है, ठीक है, ओ ए और ये रेडियस, ठीक है। अभी ये सर्कल देखो यहाँ पे मैंने सर्कल निकाला है, ए सर्कल विथ रेडियस कितना है? विथ रेडियस है यहाँ पे 1, मतलब ये यूनिट सर्कल है। ये क्या, कौन सा सर्कल है? ये यूनिट सर्कल, द सर्कल हैविंग रेडियस 1 इज कॉल्ड द यूनिट सर्कल, ओके। तो ये सर्कल जो हमारे पास ये सर्कल है यूनिट सर्कल, और यूनिट सर्कल में मैंने क्या किया यहाँ पे, एक पी एम परपेंडिकुलर पी बी द पॉइंट ऑन द सर्कल लिया। देखो साइन थीटा इज इक्वल क्या है मेरे पास, आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन है, मतलब क्या साइन थीटा का? आप देखो यहाँ पे थीटा, थीटा की अपोजिट साइड क्या है? थीटा की अपोजिट के साइड क्या है? थीटा की अपोजिट साइड है यहाँ पे पीएम, ठीक है, तो क्या होगा ये पीएम अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? ओपी, ओपी अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं हम ओ एम पी,
ठीक है, ट्रायंगल क्या रहे, ओ एम पी ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मतलब क्या है, पीएम देखो ये थीटा के सामने वाली बाजू, थीटा के क्या है सामने वाली बाजू है, अपोजिट मतलब सामने वाली साइड, तो ये यहाँ पे पीएम अपॉन ओपी हो गया। ओपी क्या है, ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल है, और सर्कल रेडियस के यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियस आर को, यहाँ पे कर दिया। पीएम क्या है, पीएम ये इसको देते हैं हम वाई, और ये हो गया हमारा एक्स। ठीक है, तो पीएम क्या है हमारे पास यहाँ पे, पीएम इज द पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश आपको दे सकते हैं, ये वाई डैश निगेटिव एक्सिस। ठीक है, तो पीएम अपॉन ओपी हो गया, तो पीएम क्या है, पीएम में दैट मीन्स क्या है यहाँ पे, वाई अपॉन आर। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर हमारे पास होगा। ये फार्मूला भी आपको आगे यूज करने वाले हम। देखो अभी अभी ये यूनिट सर्कल है, अभी क्या है ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस कितनी वो है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ओनली वाई लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। ओके, तो ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है। ओके चलिए आगे चलते हैं, कॉस थीटा देखो। ठीक है, कॉस थीटा देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, एडजेसन साइड, एडजेसन साइड, ठीक है, एडजेसन साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसन साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसन साइड क्या है, थीटा की एडजेसन साइड देखो यहाँ पे, थीटा की एडजेसन मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स अपॉन आर, और आर कितना है वन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई लिख दिया हमने, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख दिया। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम, तो ये आपको पूरा सर्कल के डायग्राम के ऊपर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं टेन थीटा, अभी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा साइन थीटा क्या है हमारा, वाई बाय आर, और कॉस थीटा कितना आ गया, ये आ गया एक्स बाय आर, तो आर आर गेट कैंसल, तो वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू देयर फोर टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो इस प्रकार हमने ये पूरे फार्मूले अपने क्लास 10 में भी देखेंगे, क्लास आप 11 में अभी देख चल रहा है अपना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, वैसे आप पूरे साइन कॉस टेन देखो, अभी से कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल क्या रहता है, वन अपॉन टेन थीटा। ओके, और हम लिख सकते हैं उसको कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। ओके, तो कॉस क्या है, कॉस है हमारे पास एक्स बाय, और टेन है सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो साइन अपॉन वाई आएगा। ठीक है, वैसे ही क्या है, सेक थीटा है, सेक थीटा इज इक्वल क्या है, वन अपॉन कॉस। ठीक है, वन अपॉन कॉस मतलब क्या लिख सकते हैं आप उसको, वन अपॉन एक्स और आर अपॉन एक्स। ठीक है, आर अपॉन एक्स। वैसे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वन अपॉन साइन थीटा मतलब क्या लिख सकते हैं आप, वन अपॉन वाई अपॉन आर, दैट मीन्स आर अपॉन वाई। तो ये आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, और वन अपॉन वाई भी उसको हम लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले जो पॉइंट पी एक्स वाई, अगर एक्स वाई पॉइंट पी है सर्कल पे, सर्कल पे जो पॉइंट निकाला हमने देखो ऊपर यहाँ पे पी जो पॉइंट लिया था, अगर इसके पॉइंट एक्स वाई है, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा सभी के हम फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल क्या है, वाई है क्या, एक्स है, तो कैसे आया ये साइन थीटा इक्वल टू, बेसिक फार्मूले आपने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़े हैं, तो हम फिर भी उसका भी रिविजन ले रहे हैं। तो चलिए आगे चलते, थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, तो साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्या रहेंगे। ठीक है, जैसा कि साइन थीटा, साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा का आंसर रहता है माइनस साइन थीटा। ओके, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल क्या रहता है, कॉस थीटा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा। आपने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ा है, तो फिर भी एक बार रिविजन हम कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ पे टेन माइनस थीटा गया, टेन माइनस थीटा अगर है हमारे पास, तो इज इक्वल क्या आता है, माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा अगर है, तो माइनस कॉट थीटा आएगा। ठीक है, ये सेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, सेक माइनस थीटा क्या है, सेक माइनस थीटा है हमारे पास, ओनली सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा क्या है, तो माइनस ऑफ कोसेक थीटा। तो ये आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे थोड़ा, चलो हाँ, उसके बाद में लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, वैल्यूज ऑफ द
फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, ठीक है, टेबल आपने देखा होगा सभी ने, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, मतलब पूरा टेबल आपको अगर याद है तो जैसे मैंने साइन थीटा कॉस थीटा को यहाँ पे लिया है, तो हम उसको और टेबल एक बार मैं लिख के बता दूं आपको। यहाँ पे सपोज मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन और साइड में है एंगल, फंक्शन एंड एंगल, मतलब फंक्शन यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, ठीक है, चार्ट बनाएंगे हम, चलो देखते हैं चार्ट। ओके, अगर हम यहाँ पे चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। ओके, साइन थीटा, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं साइन थीटा। ओके, चलिए चार्ट बनते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट ऑलरेडी अगर आपका लर्न है तो भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट ट्रिक में आपको ये पूरा यहाँ पे साइन थीटा रह गया ना, साइन थीटा पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा। ओके, तो ये फंक्शन हो गए एक साइड, और एंगल लिखते 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360, ठीक है। तो ये पूरे हम 0 से लेके 360 तक एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, उसके बाद में 180 डिग्री, उसके बाद में 270 डिग्री और 360 डिग्री। अच्छा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक प्लस 11 एंड 12 के लिए अलाइड एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसके ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो फिर भी और एक हम बताएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा मुझे निकालना है, तो मुझे क्या है अभी कोई भी वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है, ये यूनिट सर्कल का भी यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो साइन थीटा देखो मेरे पास यहाँ पे फिंगर है मेरे, ठीक है, ये पांच फिंगर है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ उसको ये 0, 30, 45, 60 एंड 90 कर देता हूँ उसको, 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब देखो मुझे एक फार्मूला यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट में आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ फिंगर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन टू, ये आपको ध्यान में रखना है। सपोज मेरे पास अभी साइन जीरो निकालना है मुझे, तो यहाँ पे मेरा जीरो है, 30, 45, 60 एंड 90 है, तो मुझे अभी साइन जीरो निकालना है। तो साइन जीरो मतलब ये मेरा थम जो है वो जीरो का है, तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। इसके इधर इस साइड में राइट साइड में कितने फिंगर बचे, तो कुछ भी फिंगर बचा नहीं। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे जो लिखा रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर अपॉन टू, तो जीरो अपॉन रूट टू आ जाएगा, जीरो अपॉन टू आएगा, जीरो अपॉन टू मतलब क्या भी आएगा यहाँ पे जीरो, तो लिखना है जीरो। उसके बाद में देखते हैं जीरो के बाद में 30 डिग्री है, ठीक है, ये सब डिग्री में एंगल है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360। उसके बाद में 30 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर चलेंगे हम, तो यहाँ पे हम मैं ये फिंगर क्लोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा रूट या वन बचेगा फिंगर थम, तो नंबर ऑफ फिंगर मतलब रूट में नंबर ऑफ फिंगर कितना है वन, तो वन अपॉन टू हो जाएगा, ये होगा वन बाय टू, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं थर्ड, 0, 30, 45, 45 मैंने ये क्लोज कर लिया, अभी कितने फिंगर बचे यहाँ पे, यहाँ पे टू फिंगर बचे, तो रूट ऑफ टू अपॉन टू, रूट ऑफ टू अपॉन टू मतलब आता है वन अपॉन रूट टू, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं थर्ड फोर्थ फिंगर की तरफ, ये है 60 डिग्री, 60 मतलब ये फिंगर क्लोज करता हूँ मैं, तो कितना बचेगा यहाँ पे रूट, मतलब यहाँ पे रूट थ्री बाय टू, रूट में थ्री, तो रूट थ्री बाय टू। अभी यहाँ पे लास्ट फिंगर में चलते हैं फोर, 90 डिग्री ये क्लोज कर लेता हूँ, इतना आएगा रूट में, रूट में आएगा फोर, रूट में फोर मतलब कितना है, तो रूट में फोर मतलब है टू, तो टू बाय टू मतलब यहाँ पे आएगा वन, साइन 90 कितना आ गया वन आ गया। उसका हम उल्टा लेते हैं 90 के, इसके आगे हम करके दिखता हूँ मैं बाद में, तो इसका उल्टा लेते क्या आएगा वन रूट थ्री बाय टू और वन बाय रूट टू और वन बाय टू और जीरो। अगर मैंने इस साइड ले लिया साइन का, कॉस का अगर हम इस साइड लेते तभी तो आपको आ जाएगा, देखो यहाँ पे अभी आपको इधर से इधर काउंट करना है, ये फिंगर क्लोज करने मतलब सपोज ये है 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, तो मैंने ये फिंगर क्लोज कर दिया, अभी कॉस के बारे में क्या करना है, इतने इधर कितने फिंगर बचे, अभी
ये फिंगर के राइट साइड में कितने फिंगर बचे, तो ये है यहाँ पे फोर, फोर बाय फोर, फोर रूट फोर मतलब टू, और टू बाय टू मतलब वन, तो ये आप इसका तरह से भी कॉस का कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टेन थीटा जी कोड क्या रहता है साइन अपन कॉस, तो जीरो अपन वन, तो ये क्या रहेगा जीरो अपन वन जीरो आएगा, वन बाय टू अपन रूट थ्री बाय टू मतलब यहाँ पे कितना आएगा वन बाय रूट थ्री, ओके वन बाय टू अपन रूट मतलब यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे वन बाय टू, देखो यहाँ पे साइड को वन बाय टू अपॉन रूट थ्री बाय टू, तो टू टू गैस कैंसिल तो वन बाय रूट थ्री आ गया, ओके वन बाय रूट थ्री यहाँ पे आएगा वन बाय टू, वन बाय टू कैंसिल वन रूट थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू, रूट थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू मतलब रूट टू के टू टू गेट कैंसिल यहाँ पे रहेगा रूट थ्री, वन अपॉन जीरो ये रहेगा नॉट डिफाइंड, ठीक है वन अपॉन जीरो रहता है नॉट डिफाइंड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कॉट, कॉट मतलब क्या है वन अपॉन टेन, तो वन अपॉन टेन मतलब क्या वन अपॉन जीरो यहाँ पे रहेगा इन्फिनाइट, ठीक है वन अपॉन टेन मतलब यहाँ पे आएगा रूट थ्री, ये आएगा वन और ये आएगा वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है तो ये कॉट का आ गया वन अपॉन रूट थ्री, और ये यहाँ पे आएगा वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ओके। उसके बाद में कुछ सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल क्या वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस कितना वन तो वन रहेगा, वन बाय रूट टू मतलब टू बाय रूट थ्री आएगा ये, ठीक है उसके बाद में आएगा ये रूट टू, ये आएगा टू और ये आएगा वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो मतलब नॉट डिफाइंड, ये आएगा जीरो हमारा, ठीक है कोसेक थीटा वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन कितना है वन अपॉन साइन मतलब क्या है वन अपॉन जीरो, ठीक है वन अपॉन जीरो आएगा नॉट डिफाइंड, ये आएगा वन अपॉन साइन तो वन अपॉन रूट टू मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा ये आएगा टू, ठीक है वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू मतलब यहाँ पे आएगा रूट टू ओनली, ठीक है तो ये रूट थ्री बाय टू मतलब ये आएगा टू बाय रूट थ्री और ये आएगा लास्ट का वन, ठीक है तो ये साइन कॉस टैन सेक कोसेक हमने यहाँ पे पूरे देख लिए। अभी हमने देखना है 180 270 एंड 360, उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फिर से एक यूनिट सर्कल निकाल लेता हूँ जिसकी रेडियस क्या होती है वन, ये यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है वन है सपोज, ठीक है तो ये पॉइंट है मेरे पास सपोज ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है तो आपको क्या करना है मुझे लिखाना है 180, 180 मतलब क्या है 180 मतलब यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक आ रहा है 180, 180 मतलब ये यूनिट सर्कल, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा देखो वन जीरो यहाँ पे होगा जीरो वन और यहाँ पे होगा माइनस वन जीरो और यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे होगा जीरो माइनस वन, ठीक है ये पॉइंट जो हमारे है एक्स वाई के फॉर्म में, ठीक है तो ये पॉइंट जो हम लिखते हैं वन जीरो जीरो वन क्या माइनस वन जीरो, तो ये पॉइंट एक्स की और वाई की वैल्यू यहाँ पे डिनोट करते हैं। सपोज मुझे निकला है साइन 180, तो 180 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे है 180 अपना, यहाँ पे है 90, ठीक है 90 को तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे है 270 और यहाँ पे है 360 डिग्री, ठीक है तो अभी क्या आएगा देखो मुझे निकालना है 180, 180 मतलब यहाँ पे क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल हमारे पास क्या था वाई और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है एक्स, ठीक है तो जहां पे भी एक्स दिखेगा वो होगी आपकी कॉस की वैल्यू, जहाँ पे वाई दिखाएगा वो आपकी होगी साइन की वैल्यू, ओके तो यहाँ पे 180 है, 180 यहाँ पे एक्स है माइनस वन वाई कितना है जीरो, तो साइन की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे तो साइन के यहाँ पे वाई की वैल्यू है जीरो, 270 पर जाएंगे हम तो 270 में क्या है वाई कितना है माइनस वन तो माइनस वन यहाँ पे लिख देंगे हम, ओके 360 दे है, 360 मतलब क्या है 360 यहाँ पे है एक्स पॉजिटिव एक्सिस पे, वाई कितना है तो वाई है जीरो यहाँ पे आएगा जीरो, ओके वैसे कॉस का देखते हैं हम, ठीक है कॉस का देखो यहाँ पे हमारे पास कॉस 180 मतलब कॉस है माइनस वन, ठीक है और 270 पे कितना है 270 पे एक्स की वैल्यू जीरो और यहाँ पे है वन, ठीक है वैसे हम अगर टेन अभी साइन कॉस हो गया, ठीक है अभी टेन का देखते हैं साइन अपॉन कॉस जीरो अपॉन माइनस वन तो रहेगा जीरो, ठीक है जीरो अपॉन माइनस वन ये रहेगा जीरो, उसके बाद में वन अपॉन इन माइनस से तो ये आएगा इन्फिनिटी, जीरो अपॉन वन ये रहेगा जीरो, ओके उसके बाद में कॉट, कॉट क्या है कॉस अपॉन साइन और वन अपॉन टेन लिख दो, कॉस अपॉन साइन वन अपॉन टेन तो वन अपॉन जीरो मतलब क्या होगा ये इन्फिनाइट, ठीक है ये रहेगा माइनस वन, ठीक है कॉट का क्या रहेगा ये रहेगा सॉरी ये रहेगा जीरो और ये रहेगा नॉट डिफाइंड, ठीक है सेक का, सेक का क्या रहेगा वन अपॉन कॉस तो ये रहेगा माइनस वन ये रहेगा जीरो नॉट डिफाइंड और ये रहेगा वन, ठीक है कोसेक वन अपॉन साइन तो वन अपॉन साइन मतलब क्या वन अपॉन जीरो ये रहेगा नॉट डिफाइंड ये रहेगा माइनस वन, ठीक है और ये रहेगा नॉट डिफाइन अगेन मतलब जीरो वन अपॉन जीरो तो ये नॉट डिफाइन रहेगा। इस प्रकार हमने पूरा जीरो से लेके 360 का डिग्री का टेबल पूरा निकाल लिया है और भी डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं, ओके तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा आगे, ओके नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है अभी क्या करना है हमें
एंगल हो गए हमारे पूरे, सब वैल्यू हो गया, निगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल हो गए, ठीक है। अभी साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्या रहेंगे, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ये एक्स वाई कॉर्डर एक्सिस हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स वाई कॉर्डर एक्सिस है, ओके। तो ये सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या रहता है, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, यहाँ पे दोनों निगेटिव है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो ये एक्स वाई पेयर में रहते हैं। मैं और एक बता, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये कैसे आ गया। तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू है एक्स, ठीक है। अभी पॉजिटिव कहाँ रहेगा, साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ रहेगा, अभी साइन थीटा के बारे में देखेंगे हम। साइन थीटा पॉजिटिव जहां पे वाई पॉजिटिव है वहां पे साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। क्वार्टर में लिखता हूँ, फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव है, और वाई जहां पे पॉजिटिव है सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव है, और वाई का वाई पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव है, ठीक है। कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा हमारा फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव है, सेकंड क्वार्टर में कॉस थीटा निगेटिव है, थर्ड क्वार्टर में कॉस थीटा निगेटिव है, फोर्थ क्वार्टर में कॉस थीटा पॉजिटिव है, मतलब फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव, ओके। टेन थीटा इज इक्वल क्या है, वाई अपॉन एक्स, मतलब दोनों जहां पे पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। कॉट थीटा का है वही आएगा, वो भी फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। उसके बाद में सेक थीटा, सेक थीटा मतलब क्या है, वन अपॉन कॉस मतलब कॉस जहाँ पे पॉजिटिव वहां पे सेक थीटा भी पॉजिटिव, कॉस क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। उसके बाद में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, साइन जहाँ पे पॉजिटिव वहां पे भी कोसेक थीटा पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड में। तो साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सभी एंगल जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये फर्स्ट क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर में है कोई भी, लेकिन देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में सभी एंगल क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कुछ स्टेटमेंट बनाए हुए हैं बहुत लोगों ने, तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ वाई पॉजिटिव है वहाँ साइन पॉजिटिव रहेगा, जहाँ कॉस एक्स निगेटिव है वहाँ पे कॉस निगेटिव रहेगा, एक्स पॉजिटिव है वहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहेगा। तो ये आप पूरे साइन ये एक्स वाई के ऊपर डिपेंड है आप, तो कौन से क्वार्टर में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर एंगल दिया है आपको, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें और मैं लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मुझे यहाँ पे 280 का एंगल दिया है, 280 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट ऐसा पूछा गया है, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट में। तो क्या करना है आपको, क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई कॉर्डिनेट एक्सिस में निकलता हूँ फिर से यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई कॉर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे 0 से लेके वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक 90 है, 90 के बाद में आता है 180, 180 के बाद में आया है 270, 270 प्लस मतलब यहाँ तक ये एंगल आ सकता है, ये 10 डिग्री आगे बढ़ गया, मतलब यहाँ पे हो गया 280 डिग्री, ठीक है। 280 डिग्री कहाँ पे आई, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ गया ये, ठीक है, एज एंगल इन विच क्वाड्रेंट, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार हमें कौन से क्वाड्रेंट में क्या कौन सा एंगल आने वाला है क्या एंगल, सपोज मैंने यहाँ पे 300 डिग्री ले लिया, 300 डिग्री मतलब क्या हुआ, ये 3 से 0 से लेके 3 तक थे, ये भी कौन से क्वार्टर में आएगा, फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है। अगर मैंने 150 डिग्री ले लिया, ठीक है, 150 डिग्री मतलब यहाँ पे 180 के अंदर है, तो ये क्या है, सेकंड क्वार्टर में, कौन से क्वार्टर में है, सेकंड क्वार्टर में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर मेरे पास ऐसा 250 वाला एंगल है तो 250 वाला मतलब कौन सा, ये थर्ड क्वार्टर में आ गया, क्योंकि 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, तो ये चीजें आपको पूरी ध्यान में रखनी है। तो एंगल इन विच क्वाड्रेंट है, एंगल का साइन कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव कब रहता है, और कब ये रहता है, टेबल पूरा आपको 0 से लेके 360 डिग्री तक का टेबल, 0 से लेके 360 डिग्री तक का टेबल भी आपको अभी आना चाहिए, तभी जाके ये आपको आ जाएगा, ओके। चलिए तो आगे चलते, थोड़ा एक्सरसाइज लेते हैं हम, एक्सरसाइज लेते हैं 2 पॉइंट, ठीक है, एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो 2.1 एक्सरसाइज में क्या बोला है हमें, 2.1 एक्सरसाइज में पहले बोला है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, ठीक है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, ठीक है, फाइंड
फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन दिया है मुझे यहाँ पे 0 डिग्री सपोज, ठीक है, तो 0 डिग्री दिया है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है सपोज साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, तो ये यहाँ पे मुझे हमने निकाला सपोज ये सर्कल निकाला मैंने 0 डिग्री, मतलब ये इनिशियल पोजिशन पे अभी, ठीक है, एक्स वाई कॉर्डिनेट एक्सिस मैंने निकाला यहाँ पे, ये एंगल क्या है यहाँ पे पी, ये यूनिट सर्कल है, सर्कल क्या है यूनिट सर्कल, तो पॉइंट क्या है यहाँ पे 1 0, मतलब यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूरे वैल्यू मुझे निकलना है, साइन 0, जैसे हमने ऑलरेडी टेबल निकाला है तो ये डायग्राम के हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे साइन 0 हमें निकलना है, तो साइन थीटा मतलब एंगल क्या है थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन थीटा इज इक्वल रहता है वाई, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, कॉस थीटा इज इक्वल रहता है एक्स, तो इसके ऊपर हमें पूरे वैल्यू यहाँ पे निकालने, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल हमने ले लिया, तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वैल्यू हमें पुट करके यहाँ पे पुट करना है, सो साइन 0 देयरफॉर यहाँ पे हम ट्रिंगल निकाले तो क्या आएगा साइन 0 इक्वल टू कितना आएगा वाई कितना है, तो वाई 0 है, कॉस 0 निकालेंगे तो कॉस 0 कितना आएगा 1, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 1 है, वैसे ही टेन 0 निकालेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल, मतलब टेन 0 इज इक्वल टू क्या है साइन अपॉन कॉस, तो 0 अपॉन 1 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, वैसे हमें कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा कॉट 0 इज इक्वल टू, ठीक है, कॉट 0 मतलब क्या है 1 अपॉन cos 1 अपॉन tan, तो मतलब ये आएगा इन्फाइनाइट, सेक निकालना है, सेक 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos है तो ये आएगा 1, कोसेक 0 निकालना है, कोसेक 0 क्या 1 अपॉन sin तो ये आएगा इन्फाइनाइट, तो इस प्रकार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पूरी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है 30 डिग्री का हमने निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है, 45, 60, 150 का निकालते हैं हम, चलो आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 150 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम वैल्यू उसके निकालते हैं, तो फिर से वही क्या करना पड़ेगा आपको, एक सर्कल निकालता हूँ मैं यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, ठीक है, सर्कल आप जरा बराबर निकाल लीजिए, ठीक है, ये सर्कल दिखना चाहिए थोड़ा, ओके, ये सपोज मेरा सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 1 है, अभी 150 डिग्री का एंगल हम निकाल रहे हैं, तो 150 डिग्री मतलब यहाँ पे कितना होगा 90, 90 प्लस कितना 90 प्लस 60, ठीक है, मतलब यहाँ तक आने तक हमारा ये एंगल हो जाएगा, तो ये हो गया 150 डिग्री का एंगल, ठीक है, कौन से क्वार्टर में गया, सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, ठीक है, सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, एक हम परपेंडिकुलर निकालते हैं ऐसा, ठीक है, अभी ये कितना हो गया देखो यहाँ पे, अभी ये 60 हो गया, बाद में कितना बचा यहाँ पे, ये हो गया 30, यहाँ पे 30 डिग्री, 30 और ये होगा 60 और ये 90, मतलब 30, 60 एंड 90 का यहाँ पे ट्रायंगल हो गया हमारा, 30, 60 एंड 90 डिग्री का, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या रहता है, देयरफॉर ये हम उसको नाम देते ओ एंड बी दे देते उसको, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड ऑफ द 30 डिग्री कितना रहता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है ओ बी, तो ओ बी मतलब यहाँ पे रेडियस ये यूनिट सर्कल है, तो आर इज इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ पे कितना रहेगा ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओ बी मतलब 1/2 रहेगा, ठीक है, तो हाफ इंटू 1 मतलब यहाँ पे रहेगा 1/2, ओके, तो अभी यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन होगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब वाई है, ठीक है, इक्वल टू ये वाई है, तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना है 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस 1 मतलब 3/4 एक्स स्क्वायर, तो हम अगर एक्स निकालेंगे तो एक्स कितना आएगा √3/2, एक्स की वैल्यू आ गया हमारे पास √3/2 और वाई की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, एक्स की वैल्यू है 1/2 और √3/2 और वाई की वैल्यू, देखो एयरफोर पी जो पॉइंट है हमारा और बी जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स वाई जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे वो क्या आ गया एक्स वाई इज इक्वेलेंस टू एक्स की वैल्यू आ गई √3/2 एंड वाई की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है, तो हमें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 150 डिग्री साइन 150 वाई कितना है वाई है 1/2, तो आप इसको यहाँ पे 1/2 कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको एक यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये 150 डिग्री का एंगल जो है कौन से क्वार्टर में आया है ये आ गया है सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में एक्स क्या रहता है एक्स रहता है निगेटिव, ठीक है, तो ये आएगा निगेटिव और वाई आएगा पॉजिटिव, तो ये हम कॉस निकालेंगे कॉस 150 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू है -√3/2, ठीक है, उस प्रकार आप साइन कॉस टेन निकाल सकते हैं टेन 150 डिग्री इज इक्वल टू क्या आता है वाई अपॉन एक्स, ठीक है, y कितना है 1/2 और x कितना है -√3/2,
ये टू टू गेट, टू टू गेट कैंसल, तो कितना आएगा ये माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो इस प्रकार हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक यहाँ पे पूरी वैल्यू यहाँ पे निकल सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सेक थ्री सेक ऑफ 150 डिग्री निकलता हूँ मैं। सेक ऑफ 150 डिग्री मतलब क्या है, यहाँ पे वन अपॉन एक्स है, तो एक्स कितना है, तो वन अपॉन माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू, मतलब टू अपॉन रूट थ्री माइनस साइन। कॉट निकालते हैं, कॉट ऑफ 150 डिग्री, ठीक है, कॉट ऑफ 150 डिग्री मतलब कितना है, एक्स अपॉन वाई, ठीक है, एक्स कितना है माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू अपॉन वन बाई टू, टू टू गेट कैंसल, तो यह आएगा माइनस रूट थ्री। ओके, उसके बाद में कोसेक करा जा रहा, कोसेक 150 डिग्री, कोसेक 150 डिग्री कितना है, तो वन अपॉन वाई, ठीक है, तो वन अपॉन वन बाय टू, मतलब यहाँ पे आएगा टू। तो इस प्रकार हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं हम। तो आपको क्या करना है, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है इसके ऊपर डिपेंड है, साइन आपको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे तो आपको ये हार जाएगा। ओके, इस प्रकार आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क लिए देता था, यहाँ पे देखो होमवर्क लिए आप कर सकते हैं मेरे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल है 180 डिग्री, हमने एंगल सॉल्व किया है। दूसरा है 210 डिग्री, ओके, ऐसा आप थर्ड एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे 320 डिग्री। तो ये आप तीनों एग्जाम्पल करके देखिए। तो 180 डिग्री का तो हमने ऑलरेडी टेबल में ड्रॉ किया है, इसको राइट किया है, लेकिन आप उसका डायग्रामेटिकली आप उसको निकाल के देखिए 180 डिग्री क्या आता है, पॉइंट माइनस वन जीरो है। 210 डिग्री कौन से क्वार्टर में आता है, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में आता है। उसके बाद में उसकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू आप सब निकाल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि साइन 210 क्या है, 300, मतलब कोई भी एंगल आपको अगर निकालना हो तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।